दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को सबसे खतरनाक T20 खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही T20 मैच में दहाड़ा भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत के साथ साथ रिंकू सिंह ने भी मचाई तबाही। तो आखिर कैसे इन तीनों खूंखार खिलाड़ियों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी? कैसे ऋषभ पंत की आंधी में उड़ गया पूरा अफगानिस्तान? कैसे रिंकू ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए जड़ दिया तूफानी शतक और अफगानिस्तान के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा विशाल स्कोर? भारतीय बल्लेबाजी की पूरी वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर तबाही मचाने के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 मैच खेलने के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा उतरे। मैदान पर उतरते ही इन दोनों की जोड़ी ने मोहाली में तहलका मचा दिया। एक के बाद एक दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की धाकड़ गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के सामने फीकी पड़ गई। राशिद खान से लेकर नवीन उल हक हर गेंदबाजों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने टूटकर प्रहार किया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तूफान ने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 14 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए 7वां ओवर लेकर राशिद खान ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। इसी ओवर में भारत के दोनों ओपनरों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां कप्तान रोहित 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं शुभमन गिल भी 20 रन बनाकर चलते बने। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव तो अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे, वहीं ऋषभ पंत भी कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुजीबुर रहमान के ओवर में ऋषभ पंत ने ऐसा तहलका मचाया जिसे देखकर अफगानिस्तान की पूरी टीम हैरान रह गई। ऋषभ पंत ने इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार कुल 4 छक्के जड़े और बची हुई 2 गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 32 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं सूर्य कुमार यादव अपना अर्ध शतक भी लगा चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर में 170 रनों तक पहुंच गया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूर्य की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। 16वां ओवर लेकर आए राशिद खान को ऋषभ पंत ने ऐसा धोया शायद वो अपने जीवन में ये ओवर कभी ना भूल पाए। ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंद पर लगातार 6 चौके जड़कर हर किसी को चौंका दिया और इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन राशिद खान को बदला लेना आता है। उन्होंने अपने अगले ओवर में ऋषभ पंत को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव मैदान पर अभी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। रिंकू के मैदान में आते ही पूरा स्टेडियम रिंकू के नाम से नारों से गूंजने लगा। रिंकू सिंह ने जब राशिद खान की पहली ही गेंद को सामना किया और उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलकर छक्के में तब्दील कर दिया, जिसे देखकर राशिद खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिंकू सिंह का बल्ला दहाड़ रहा था। रिंकू सिंह खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो पूरा ओवर खुद खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका नहीं दे रहे थे, अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अफगानिस्तान के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी के ओवर में रिंकू सिंह ने जबरदस्त बैटिंग का नजारा दिखाया और इस ओवर में रिंकू सिंह ने 20 रन बटोर लिए, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके जड़े। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी एक बार फिर देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, अब अफगानिस्तान के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप में रोहित कोहली की वापसी को लेकर खुद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और ऋतिक सजदेह ने BCCI से गुहार लगाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो अब BCCI भी इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी करवाने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर क्यों करोड़ों फैंस के साथ ये दोनों भी अपने पतियों को T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहती हैं? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने रोहित कोहली की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए? अनुष्का और ऋतिका का पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में किसे T20 में भारत का कप्तान होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया ने अफ्रीका की धरती पर इतिहास लिखा। T20 वनडे के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी टीम इंडिया 1-1 से सीरीज बराबरी करने में कामयाबी हासिल कर गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा था। इस बीच भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार द्विपक्षीय सीरीज होने जा रही है। ये सीरीज अगले साल जनवरी के महीने में खेली जाएगी। अब तक ये दोनों टीमें ICC टूर्नामेंट में ही वनडे और T20 मैच खेली हैं, लेकिन अब इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कुछ ही दिनों में 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी घोषणा की, जो नए साल शुरू के शुभ मौके पर 11 जनवरी से शुरू होगी और 17 जनवरी तक चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट T20 वर्ल्ड कप का पूरा स्केड्यूल भी सामने आ चुका है, जो जून के महीने में अमेरिका और वेस्टइंडीज के साथ में मेजबानी में आयोजित होने जा रहा है। इस बार भारतीय टीम के लिए विश्व कप जीतना किसी नामुमकिन चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सामने 5, 10 या 12 टीमें नहीं बल्कि 20 टीमें रहने वाली हैं। यानी कि टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर इन दो सबसे बड़ी चुनौतियों में कौन भारत का कप्तान बनेगा, किन खिलाड़ियों पर BCCI दांव खेलना चाहती है। हालांकि जहां एक तरफ सवालिया निशान है कि टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित शर्मा और कोहली को BCCI मौका देना चाहती है या नहीं, तो वहीं फैंस तो 200% कन्फर्म है कि इन दोनों खिलाड़ियों को T20 टीम में मौका मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कई दफा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और फैंस के बीच तकरार भी देखने को मिल चुका है। सभी फैंस चाहते हैं कि ये दोनों T20 में वापसी करें और वर्ल्ड कप खेलें। ऐसे में अब फैंस की इस डिमांड को इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की पत्नियों अनुष्का और ऋतिका का सपोर्ट भी हासिल हुआ है, जहां अब तो ये दोनों भी BCCI के खिलाफ आ खड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सजदे ने कहा है कि आप वर्ल्ड कप रोहित और कोहली के बिना खेलने की सोच भी नहीं सकते। ये दोनों टीमें इंडिया की बैकबोन हैं। इनके बिना भारत बायलैटरल सीरीज तो जीत सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं। यदि BCCI रोहित और कोहली को वर्ल्ड कप के लिए शामिल नहीं करेगी तो ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा। मुझे पता है रोहित को भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वनडे कप में भी हमें फाइनल तक पहुंचाया। ऐसे में उन्हें T20 वर्ल्ड कप अपने देश को जिताने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अपने इतने बड़े दो दिग्गज खिलाड़ियों के लिए BCCI इतना तो करेगी ही। तो वहीं अनुष्का शर्मा ने कहा है कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि भारत रोहित और कोहली के बिना वर्ल्ड कप खेल जाएगा, और यदि BCCI चाहती है कि ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेले तो उन्हें अभी से इन दोनों को T20 में लेना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ ये T20 सीरीज उनकी T20 फॉर्म आजमाने का बेस्ट मौका है। कोई भी इमेजिन करने की सोच भी नहीं सकता कि टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ये तो नामुमकिन जैसा लगता है। यदि BCCI चाहती है कि भारत के घर T20 वर्ल्ड कप आए तो वो ये दोनों खिलाड़ी ही ला सकते हैं, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। तो दोस्तों, सच में इन दोनों